बहुत ही बेहतरीन नजारा यहां से दिख रहा है चारों तरफ का। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है माय इंडियन व्लॉग्स पर। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं चित्रकूट नगर, भगवान राम की वो तपोस्थली जहां भगवान राम ने 11 वर्ष का वनवास बिताया था, जहां पर भरत मिलाप हुआ था। दोस्तों, हमने इसकी शुरुआत करी लखनऊ से। हम चित्रकूट एक्सप्रेस से सीधा पहुंच गए चित्रकूट। बहुत ही आसान सा रास्ता था। चित्रकूट पहुंचने के बाद में हमने वहां पर टैक्सी की और टैक्सी करने के बाद हम पहुंचे रामघाट। हम सभी दोस्तों ने मिलकर यहां पर स्नान ध्यान किया और उसके बाद में यहां से निकले सीधा कामतगिरी पर्वत की तरफ, जहां पर भगवान राम इसी पर्वत पर रहते थे। पर्वत की एक मान्यता है दोस्तों कि यहां पर जब कोई भी व्यक्ति अगर इस पर्वत की परिक्रमा करता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और यहीं से एंट्री करते हैं। और जैसे ही इसके अंदर चित्रकूट धाम यानी कामतगिरी पर्वत के अंदर, मतलब पर्वत की चढ़ाई पर जाते हैं, तो यहीं से एंट्री करेंगे और अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे। ऊपर पहाड़ है, धूप की वजह से आपको जितना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। और नीचे ये प्रसाद मार्केट है, यहाँ पर बहुत सारे ठेले हैं और सारी चीज़ें हैं, प्रसाद मार्केट है। इधर का एक रास्ता है जो कि जाता है सीधा राम घाट पर, जहाँ पर प्रसाद वगैरह, जहाँ पर नहा वहाँ से लौटते हैं। और बंधुवर हमारे सबके सब रेडी हैं। चलो, किधर चलना है अभी मेरे को? तो इधर चल। हाँ तो चलो, हाँ तो चलो लेना लो। तो अभी प्रसाद के लिए जो है हम लोग जा रहे हैं, प्रसाद लेंगे। हम लोग प्रसाद लेने के बाद में सीधा मंदिर की तरफ चल लिए। यहाँ भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता का दर्शन किए। इसके पश्चात कामतानाथ भगवान का दर्शन किया हम लोगों ने और उनसे अपने लिए मन्नत मांगी। कुछ देर तक हम लोगों का यहाँ पर वार्तालाप चला कि हम लोग परिक्रमा के लिए चलेंगे या नहीं। काफी बहस के बाद में ये क्लियर हुआ है कि अभी हम लोग पूरी परिक्रमा करने के पश्चात ही यहाँ से निकलेंगे। तो आज स्टे एक बार फिर से हम लोग चित्रकूट में करेंगे। आज पूरा स्टे करेंगे चित्रकूट में। सो अभी पूरा टोटल परिक्रमा पूरा करेंगे, जो भी है लगभग 4 से 5 किलोमीटर का ये है परिक्रमा पूरा, तो ये पूरा करेंगे। अमित कुमार सोनी, नगर से, नगर से बाना, ठीक। इनसे आप परिचित है, दीपा भाई है, ठीक। इनसे आप बहुत कम परिचित होंगे, फिर भी परिचित हो जाएंगे। केके यानी कृष्ण कुमार सहयोगी दीपक सिंह, आप परिचित नहीं होंगे, इनसे परिचित करवा देते हैं। ये है हमारे उपेन तिवारी, गाँव के नंबरदार। में तो बताना ही भूल गए, ये जो है यहाँ के, मतलब एक तरीके से कहा जाए चित्रकूट के खाग जिसको बोलते हैं हमारी भाषा में, वो है। और इन सभी के जो है एक प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने बहुत सारा मक्खन चाटा है यहाँ पे बांदा, उसके बाद में चित्रकूट, सर्वप्रथम हमीरपुर। तो अगर इनके बारे में जितनी भी बात बोली जाए वो सब कम है। आगे तो आप, अभी तो काफी लगभग 4.5 किलोमीटर का सफर है, उसमें आप जान ही जाएंगे कि इनके, इनकी जो परिस्थितियां है इतनी तगड़ी है कि ये जो है क्या करते क्या है, किसी भी बंदे को 2 मिनट में ये रुलाने का दम रखते हैं, वो भी मजाक में। तो हाँ, और मेरे जो कैमरा पर्सन है मिस्टर इमरान जी, उनको बहुत ज्यादा जो है इन्होंने कल रात में रुला दिया, इमोशनल ब्लैकमेल। साथ में सबसे बड़ी चीज क्या है कि उनकी प्रेमिका को भी रुला दिया। पूरी पूरी रात ये बेचारे मनाते रह गए और वो बेचारी रोती रह गई। ऑफिस के लिए तो भाई आ गए, तो इनको हम लोग चित्रकूट धाम के सिर्फ दर्शन कराने लाए थे। क्या बात है,
इनका प्लान था वापसी जाने का। हमने कहा आप चित्रकूट आओ और परिक्रमा ना करो, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो हम होने नहीं देंगे। और लगभग 1 किलोमीटर परिक्रमा पूरे कर चुके हैं। पता नहीं चल पाया, लगभग 1 किलोमीटर पूरा हो चुका है, जो कि अपन लोग मोबाइल पर स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, वही स्टेप हम चेक किए हैं। 1 किलोमीटर हमारा पूरा हो गया। ठीक भैया, हम करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं ना, 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4, 4 से भले 5, 5 से भले 6। ठीक है, तो आज हम लोग 7, हम लोग 7, 6 हम लोग। एक पीछे कैमरा पर्सन है के जिस बात की प्यारी मंदिर के साक्षी गोपाल मंदिर लिखे हुए सामने, आप मजे से दर्शन कर लीजिए। जय ओम साक्षी गोपाल जी की, बोलिए बाकी प्यारी लाल की जय। बहुत ही बेहतरीन नजारा यहाँ से दिख रहा है चारों तरफ का, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस प्यारे सुंदर नज़ारे का जो है उत्तर प्रदेश पर्यटन स्थल पावन चित्रकूट धाम, जो कि बहुत ही दिव्य धाम है, यहाँ पर दर्शन मात्र से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, मैं जैसा कि आपको बता दूं कि यहाँ पर आने के लिए आपको बहुत ही इजीली हर जगह से साधन मिल जाएगा, भारत के कोने कोने से साधन यहाँ पर मिल जाएगा। और जो पूर्णिमा का जब टाइम होता है तो यहाँ पर इतनी भीड़ होती है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो दोस्तों, हम अपने लगभग 5 दोस्तों के साथ आए हैं, मतलब 6 लोग आए हैं यहाँ पर घूमी करने, तो मतलब दर्शन करने, घूमी करने और प्रभु से अरदास लगाने की हमारा भी बेड़ा पार करो। तो निर्मल जो कि बहुत ही मतलब टैलेंटेड भी कह लो और शरारती भी कह लो, बहुत ही ज़्यादा है, तो उससे आप मिल ही रहे हो थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, जितना बताया जाए उससे कम। इधर देखिए, नाम तो सुना ही होगा, नाम है पंडित निर्मल मिश्रा। एक कहावत है बुंदेलखंड में, एक बुंदेलखंडी और 100 दंडी। तो आप आगे चर्चाएं चलेगी। देखिए, अब हम लोग उत्तर प्रदेश में पर्यटन में सेंटर कर रहे हैं। कामदगिरी परिक्रमा आपका हर स्थल का वर्णन करती है। चित्रकूट है, चित्रकूट दो प्रदेशों में बटा हुआ है, एक है एमपी यानी जो मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश। हम लोग यूपी से जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की तारीफ करेंगे। तो आइए, अभी यूपी में आइए, बाबा के प्रदेश में आइए। अभी गुरु वशिष्ठ आश्रम पहुंच गए हैं। यहाँ पर एक चौपाई लिखी हुई है, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनुज रण मारे। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये भगवान श्री राम माता सीता जी का और प्रभु लक्ष्मण जी का ये मूर्ति स्वरूप है यहाँ पर, प्रभु हनुमंत लला भगवान का, तो बहुत ही अच्छा स्वरूप है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। और सती अनुसुईया माता का भी यहाँ पर बाल रूप में त्रिदेव के दर्शन भी यहाँ पे बने हुए हैं, बहुत अच्छा खासा। बाकी चीज़ें हम आपको आगे बताते रहेंगे। भारत जनक मिलाप मंदिर, मतलब इस जो ये परिक्रमा मार्ग है, इसमें आपको बहुत सारे मंदिर आपको मिलते चले जाएंगे। बाकी बातें जो है बुंदेलखंडी बंदा बताएगा, निर्मल मिश्रा। आगे बढ़ते हैं, बाकी की बात निर्मल मिश्रा के साथ। तो पूरी टीम के साथ हम लोग चित्रकूट परिक्रमा पे, तो हम लोग जाहिर सी बात है 1.5 किलोमीटर तो पार कर ही चुके होंगे। चढ़ाई भी इतनी लंबी है, सुबह तो कुछ खाया नहीं है, पानी बस पी के चल रहे हैं। ठीक है, हम तो चल ही रहे हैं, बाकी 4 लोग और चल रहे हैं। 4 लोग चल नहीं रहे हैं, 4 लोगों को चलाया जा रहा है, चल नहीं रहे हैं, ये चलाया जा रहा है जबरदस्ती का, जरा सा भी मतलब, बस केवल क्या है 20 रुपए लीटर पानी का जो है लुत्फ उठा रहे हैं। बाकी मेरे समय में तो जाकर के 2 समोसा खा भी आया था। जब जो लोग कहेंगे कि आप लोग होटल में खाने खिलाएंगे, तो एक खाना एक ही बार खिलाया जाएगा ना भाई, तो एक बार जब खिलाया जाएगा तो जहर सी बात है पूरा काम भी कराया जाएगा। तो आप कम से कम खाना खाएं, तो भर पेट खाएं। आप नाम लें कि हम लोग किसी से मिले थे। क्या बात है, खतरनाक तरीके से मेल कर रहा है भैया। कम से कम एक किसी बुंदेलखंडी से मिले थे। ठीक है, एक कहावत है पूरे बुंदेलखंड में कि एक बुंदेलखंडी और 100 बाबा दंडी। स्वामी जानते हैं ना, जो बहुत सिद्ध पुरुष होते हैं उनसे मिलिए और फिर एक बुंदेलखंडी से मिलिए। तो बुंदेलखंड कितने हैं, एक और बाकी 4। ठीक है, तो बाकी आपको सफर का मजे दे ही रहे हैं हम लोग। ठीक, बाकी आप सन्नाटा बहुत है, अगर अमावस्या में आए होते तो हम लोग को फोन चलाने की जरूरत नहीं होती, फोन हमारा चल चुका होता। ठीक है, हम जो आराम से चल रहे हैं तो हम आराम से नहीं चलते, किसी के सर से जा रहे होते, किसी के पैर से जा रहे होते, अभी तो परिक्रमा कर चुके होते। ठीक है, और ये दीपा भाई, हमारा सौभाग्य दीपा भाई के साथ हम पहली बार, अरे नहीं, हमारा सौभाग्य है, मेरा भाई है मेरे साथ में, और पहली बार परिक्रमा कर रहे हैं।
ठीक, आगे अगर ऐसा मौका रहा तो ब्लॉग तो बनते रहेंगे दीपा भाई के साथ में, ठीक। बाकी आप पहचानने के लिए पहली बार मिले निर्मल मिश्रा नाम से, पंडित निर्मल मिश्रा, ठीक है। चित्रकूट में किसी भी पर्सन से अगर आप, एक भी व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे तो वो तुरंत बताएगा कि हाँ मिश्रा जी रियलमी सैमसंग वाले, तुरंत बताएगा। आइए एक बार जरूर पूछे, ठीक है। बांधा आइए, बांधा बाकी सेवा भाव पूरा करेंगे, पूरा है, ठीक है। क्या नाम है, परिक्रमा करने की लेकिन एक ही बंदा था ये, एक कहते हैं एक चीज में, सॉरी इसी बीच में इंटरप्ट करूंगा, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करना अवश्य करें क्योंकि रास्ते में ही लेटे हुए हनुमान जी का यहाँ पर दर्शन हो जाता है। तो जय हो प्रभु हनुमत लाल भगवान की। थोड़ी देर बाद हम लोग को भूख कुछ ज्यादा ही सताने लगी। सामने परिक्रमा मार्ग में ही खोह मार्केट पड़ती है और इस खोह मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं जहां पर आप नाश्ता आराम से कर सकते हैं। हालांकि प्राइजेस थोड़े से हाई हैं और आप आसानी से यहां पर नाश्ता कर सकते हैं। हम लोगों ने अपने दोस्तों के साथ बैठ कर यहां पर नाश्ता किया, थोड़ी सी मस्ती भी हुई। इसके बाद में हम लोग यहाँ से आगे मूव किए। मूव करने में ये हमको रास्ते में मिल गया फायर पान, और जो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा इसको मत खाना क्योंकि ये स्वाद इसका बिल्कुल बेकार सा होता है। और बस केवल शौक शौक में फर्स्ट टाइम में हम लोगों ने इसे खाया, बट हमने जब खाया इसका स्वाद इतना बेकार लगा कि मुझे नहीं लगा कि हाँ ये वर्दी है। और पर पान ये लोग 40 रुपीज चार्ज करते हैं जिसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये होगी, और इसमें आग लगाने के लिए पता नहीं किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही मतलब कड़वा सा होता है, और मैं रिकमेंड करूंगा आप बिल्कुल मत खाइएगा। लेकिन बहुत ही जल्द हम इसका अगला पार्ट लेकर के आ रहे हैं जो कि बहुत जल्द ही रिलीज़ करेंगे। इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो भगवान राम के 14 वर्ष वनवास के ऊपर होगा, जो कि पूरा वृतांत पूर्वक हम आपको उसमें बहुत सारी चीज़ बताने वाले हैं। तो बिल्कुल मिस मत करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, धन्यवाद। तो आज का हम लोग ये परिक्रमा अभी कंप्लीट हो गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं सबके फेस पर एनर्जी नामक कोई चीज नहीं बची है। तो अब हम चल रहे हैं वापस अपने घर पर। तो दोस्तों अगर आपने जरा सा भी एंजॉय किया हुआ इस पूरे मोमेंट को, अगर आपको लगता हो हम लोगों ने मेहनत की है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।